पीओके की नीलामी के बाद पाकिस्तान में एयरपोर्ट भी बिकने को तैयार। क्या खरीदार बनेगा भारत? भारत में आयोजित G20 सम्मेलन में नहीं आ सकते हैं पुतिन। आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई? भारत को नाटो में शामिल करने को तैयार कई बड़े देश। रूस चीन के कान हुए खड़े। अमेरिका ने भारत को दोस्त मानने से किया इनकार। मचा बवाल। दोस्तों ऊपर की सभी खबरों को जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को कौन सा सरप्राइज दिया है। रूस ने एक बार फिर से भारत को अपना सबसे जिगरी दोस्त माना है। रूस की नई विदेश नीति में कहा गया है कि आने वाले दिनों में भारत के साथ रिश्तों को बेहद मजबूत किया जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत और अमेरिका को नजदीक आता देख रूस बेहद परेशान हो गया है और वह किसी भी कीमत पे अपने मित्र भारत को खोना नहीं चाहता। व्लादिमीर पुतिन खुद भारत और रूस के संबंधों को मजबूती देने के लिए कई बड़े कदम उठाने जा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच भविष्य में और भी कई बड़े फैसले हो सकते हैं। दोनों देशों के बीच शीत युद्ध के समय ही संबंध मजबूत है। नई विदेश नीति के अनुसार रूस सभी क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने के लिए भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी का निर्माण जारी रखेगा, ताकि भारत में घुसकर अमेरिका अपना वर्चस्व न बना ले। भारत के साथ मिलकर रूस की यह कोशिश रहेगी कि जिन देशों से अच्छे संबंध नहीं है उनकी विध्वंसक कार्यवाहियों का विरोध किया जाए। भारत के साथ मिलकर रूस की यह भी कोशिश रहेगी कि जिन देशों से अच्छे संबंध नहीं है उनकी विध्वंसक कार्रवाइयों का विरोध भी जारी रहे। इस ड्राफ्ट में पुतिन ने भारत की सदस्यता वाले तीन संगठनों ब्रिक्स, SCO और RIC यानी कि रूस, इंडिया, चीन को एक मजबूत करने का जिक्र किया है। रूस ने कहा कि वह इनको मजबूत करेगा ताकि दुनिया में किसी एक के पास ताकत न हो बल्कि कई सारी शक्तियां हो। रूस ने पहले भी भारत को कई बार ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर स्वीकार किया है। रूस मानता है कि आने वाली सदी भारत की होने वाली है। ऐसे में जिसके संबंध भारत से अच्छे होंगे वही लोग दुनिया पर राज करेंगे। वहीं दोस्तों दूसरी खबर पाकिस्तान से आ रही है। हाल ही में खबरें आई थी कि पाकिस्तान अपना जमीन बेचना चाहता है। पाकिस्तान के एक बड़े मंत्री ने अपने देश को कर्ज के बाहर निकालने के लिए जमीन बेचने का बयान भी दिया था और चीन लगातार इस कोशिश में भी लगा है, जिसके बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान पीओके की कुछ जमीन भारत को बेच सकता है। लेकिन भारत के लोगों का मानना था कि पीओके हमारा है तो हम इसके लिए पाकिस्तान को पैसे क्यों दें। भारतीय लोग मानते हैं कि पीओके पर चढ़ाई करके जल्द से जल्द इस क्षेत्र को भारत में मिलाया जाए। हालांकि हम इन खबरों की पुष्टि नहीं करते हैं, ये सूत्रों से निकल रही सोशल मीडिया पर खबरें हैं। दोस्तों जमीन बेचने की ऑफर के बाद अब पाकिस्तान अपने 3 हवाई अड्डे बेचने जा रहा है। पाकिस्तान के इन सभी हवाई अड्डों पर भारत का भी कब्जा हो सकता है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के सैन्य प्रतिनिधि के साथ साथ उनके शीर्ष मंत्रिमंडल भी भारत आ रहे हैं या आने की तैयारी में है, उसे देखकर यही लगता है कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सुधरने की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान अपने हवाई अड्डों का संचालन भारत के अडानी ग्रुप या दूसरी कंपनियों को दे सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी खबरों की पुष्टि नहीं की जा सकती। हालांकि पाकिस्तान के इन हवाई अड्डों का संचालन कतर, सऊदी अरब या फिर चीन की कंपनियां कर सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान सरकार इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान का मकसद हवाई अड्डों को अमीर देशों के हाथों में सौंप कर भुगतान संकट से गंभीर असंतुलन को दूर करना है। वहीं दोस्तों G20 को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। दरअसल भारत में आयोजित G20 मीटिंग में व्लादिमीर पुतिन के आने की खबरें सामने आई थी, लेकिन अब इस खबर पर काले बादल मंडराने लगे हैं। माना जा रहा है कि अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती है तो पुतिन अपना भारत दौरा रद्द भी कर सकते हैं, क्योंकि पुतिन को लेकर गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो रखा है। लेकिन दोस्तों रूस की G20 शेरपा स्वेतलाना लुकास ने यूक्रेन संकट के संदर्भ में कहा कि G20 को जियोपॉलिटिक्स या सिक्योरिटी के लिए ना उठाए बल्कि इसे एक आर्थिक मंच ही रहने दें। जानकार बताते हैं कि अगर यह सिलसिला जारी रहता है तो व्लादिमीर पुतिन अपने G20 भारत दौरे को कैंसिल भी कर सकते हैं।
लेकिन लुकास की ओर से कहा गया है कि G20 में भारत और रूस ने वीरता का परिचय देते हुए महाशक्तियों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। महाशक्तियों ने भारत को परेशान करने का काम किया ताकि भारत अपने मुख्य एजेंडे से हटकर उनके झांसे में आ जाए, लेकिन भारत बेहद समझदार है और हमें इस पर गर्व है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत में G20 और संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद लुकास ने कहा कि उनका आना तय है। जी हां, उन्होंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन भारत जरूर आएंगे, अब सिर्फ इसका एक औपचारिक अंतिम निर्णय आना बाकी है। यह खबर पूरे भारत के लिए खुशखबरी है क्योंकि पहली बार किसी रूसी प्रतिनिधि ने रूस के भारत आने को लेकर सार्वजनिक तरीके से कंफर्म कर दिया है। वैसे अगर पुतिन का भारत यात्रा कैंसिल होती है तो इसका सबसे बड़ा झटका यूक्रेन और भारत को लगेगा, क्योंकि भारत को उम्मीद थी कि पुतिन G20 में भाग लेने जरूर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भी इस उम्मीद में बैठा था कि भारत पहुंचकर मोदी से मिलने के बाद पुतिन इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं और लाखों लोगों की जान बचाने के लिए पीएम मोदी को नोबेल पीस प्राइज भी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। एक तरफ रूस भारत को अपने पाले में लाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका समर्थित नाटो भी भारत को अपने पाले में शामिल करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा। नाटो ने भारत के साथ दोस्ती को और मजबूत करने के लिए दिलचस्पी दिखाई है। आपको बता दें कि अमेरिका भारत को नाटो में शामिल करना चाहता है। इस संदर्भ में अमेरिकी राजदूत ने कहा कि अगर भारत हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो भारत का अधिक सहयोग करेंगे। विशेषज्ञ मानते हैं अगर भारत नाटो ज्वाइन कर लेता है तो कुछ दिनों के लिए रूस नाराज हो सकता है, लेकिन चीन के खिलाफ भारत की सुरक्षा काफी मजबूत हो जाएगी। अगर रूस नाराज होगा तो उसे मना लेंगे, क्योंकि तुर्की भी एक नाटो मेंबर होने के बावजूद रूस के साथ काफी अच्छे संबंध रखता है। लेकिन चीन के खिलाफ भारत की सुरक्षा काफी मजबूत हो जाएगी। अगर रूस नाराज होगा तो उसे मना लेंगे, क्योंकि तुर्की भी एक नाटो मेंबर होने के बावजूद उसके रूस के साथ काफी अच्छे संबंध है। लेकिन चीन को सबक सिखाने के लिए भारत को तुरंत नाटो ज्वाइन कर लेना चाहिए। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, क्या भारत को नाटो ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं चीन के खिलाफ भारत लगातार कई सारे संगठनों का हिस्सा बनते जा रहा है। चीन को काउंटर करने के लिए भारत ने वर्ल्ड संगठन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कई सारे आर्थिक और रणनीतिक मोर्चों की आगवानी की। हालांकि भारत सरकार की ओर से कभी भी नाटो में शामिल होने को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है, लेकिन कई देशों के जो एक्सपर्ट है उनका मानना है कि भारत नाटो में शामिल होकर एक मजबूत राष्ट्र बन सकता है, क्योंकि भारत के सामने चीन जैसा बड़ा खतरा है जो काफी टाइम से भारत के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि भारत ऐसे किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि भारत अपनी सुरक्षा के लिए खुद तैयार है। दूसरी ओर अमेरिका की ओर से भी बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने कहा है कि भारत हमारा दोस्त नहीं है और ना ही हम कभी दोस्त बन सकते। व्हाइट हाउस के एक शीर्ष अधिकारी ने भारत के साथ निकटता से काम करने की अमेरिका की मंशा पर जोर देते हुए कहा कि बीजिंग ने भारत चीन सीमा पर उकसावे वाले कुछ कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का दोस्त नहीं है और ना ही कभी बन सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम करीबी साझेदार नहीं होंगे और हम बहुत सी चीजें साझा करेंगे। हमें उस भूमिका को समझने की जरूरत है जो भारत वैश्विक मंच पर एक महान राष्ट्र के रूप में निभाएगा। उनका मानना है कि भारत इस वक्त रूस के करीब है, लेकिन भारत अमेरिका का भी बहुत बड़ा पार्टनर बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका संबंध 21वीं सदी में अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंध है। दोस्तों, क्या आप अमेरिका को भारत का दोस्त मानते हैं या नहीं, अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।